दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मेरा नाम पुनीत, आपका अपना दोस्त, बिजनेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, एक बार फिर आपके लोगों के बीच में आ चुका है न्यू वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इतना जबरदस्त टॉपिक है, बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं तो यही कहते हैं कि सर आप हमें कुछ ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, जब हम किसी के पास अपना प्रोजेक्ट या बिजनेस या प्लान या प्रोडक्ट लेके जाएं तो हमें ये पता लग सके कि हमें उससे क्या शेयर करना है और कितना शेयर करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे तो 100% आपका कन्वर्जन रेट बढ़ने वाला है। तो जिस फॉर्मूले के ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो फॉर्मूला है 80-20 फॉर्मूला। यस, 80-20 फॉर्मूला। इसको आपको कैसे अप्लाई करना है माय डियर फ्रेंड्स? अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी पर्सन के पास जाते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज या उस कंपनी का कंपनसेशन प्लान, जिससे आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट जुड़ के एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपके साथ एसोसिएट होता है। मगर अक्सर हम ये देखते हैं कि हमने विदाउट सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड को, यस ध्यान से शब्द को सुनिएगा, नीड को चेक किए बिना अपना प्रेजेंटेशन देना हम शुरू कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी पर्सन से मिले तो उसकी नीड को जरूर चेक करें। आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने इलाज के लिए जाते हैं, अगर हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको टेस्ट करने के लिए बोलता है। आपके तरह तरीके के टेस्ट होते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसी है और उस डेफिशिएंसी से जुड़ी हुई बीमारी की दवाई या गोली आपको लिख के दी जाती है और उसका कोर्स कराया जाता है और आप देखते हैं धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले तो सबसे पहले आप चेक करिए कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, फिर उस तरीके से उसको आप उसकी नीड फुलफिल करिए। तो फॉर्मूला जो 80-20 है, मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला, अगर आप किसी पर्सन को अपना प्लान या प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं और आपके पास किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके का जो उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है या उसकी फैमिली की किसी तरीके की जरूरत को पूरा कर सकता है, या कोई ऐसा हॉलीडे पैकेज है जिससे वो फॉरेन ट्रेवल कर सकता है, आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, आप चेक करिए उसकी नीड क्या है। अगर उसकी नीड आपका प्रोडक्ट है, माय डियर फ्रेंड्स, अपने 45 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में 80% आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उस प्रोडक्ट से जुड़े उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, उस प्रोडक्ट्स को यूज करने से उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसकी फैमिली को कैसे फायदा मिलने वाला है वो आपको बताना है, और 20% थोड़ा सा आपको क्या करना है, उस कंपनी में उसका कंपनसेशन प्लान वो शेयर करना है कि अगर वो उसके साथ पार्ट टाइम एसोसिएट होता है तो उसको इस बिजनेस के अंदर क्या फायदा मिलने वाला है। अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ सामने जाते हैं तो अक्सर मैं लोगों को देखता हूं बिना उसकी नीड को चेक करे उसको प्रोडक्ट्स के बारे में इतना बता देते हैं कि सामने वाला अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है और डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्लान के बारे में जानना चाहता था। हो सकता है उसकी नीड पैसा हो, मगर कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम बात करके आपने उस प्रोस्पेक्ट को लूज कर दिया, जो कि फ्यूचर में आपके बिजनेस में आके एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता था। और वही दूसरी जगह हम क्या देखते हैं, जब हम किसी पर्सन के पास जाते हैं हम प्लान इतना ज्यादा शेयर कर देते हैं, प्लान के फायदे, प्लान के अंदर जो इंसेंटिव, उसके रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा शेयर कर देते हैं कि उस पर्सन का प्रोडक्ट को यूज करने का जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है और कहीं ना कहीं प्लान को देखते हुए वो प्रोडक्ट लेने का भी डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि सामने वाले को यह लगता है कि अगर मैं इससे प्रोडक्ट बाय कर लूंगा तो इस सामने वाले को इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, इस तरीके का बेनिफिट हो जाएगा, इसी वजह से सामने वाला आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी से भी मिलते हैं और जब प्रोडक्ट की बात आती है तो कोशिश करिए आप 80% प्रोडक्ट
और 20% प्लान के बारे में बताइए। और जब प्लान की बात आए, जब आपके सामने आने की नीड को चेक कर लिया और आपको समझ में आ गया कि ये पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आना चाहता है, इसकी नीड पैसा है, ये ड्रीमर है, ये पैसा कमाने के लिए सिस्टम में आना चाहता है, तो उसको 80% आप प्रोडक्ट्स के बारे में ना बता के प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बताइए। आप उसको बता सकते हैं कि सर इतना टर्नओवर करने पे ये रिवॉर्ड्स हैं, ये इंसेंटिव है, ये कार प्लान्स हैं, ये फॉरेन ट्रिप्स हैं। जब आप उसको 80% प्लान के बेनिफिट्स बताते हैं और 20% प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो पर्सन 100% आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, डिसीजन लेने के लिए उसको इजी हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्या चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपनी नीड को चेक करिए, सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड को चेक करिए और इस 80-20 फॉर्मूले को लगा के बेहतर रिजल्ट्स लीजिए। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, जैसे ही आप ये काम खुद से और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे, देखते ही देखते 110% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि आपका नेटवर्क दिन दोगुनी रात चौगुनी ग्रो करना लगेगा। आपकी टीम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी आप देख पाएंगे, आप अपने चेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और इसी तरीके से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टीम्स में इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।